सीधा रुख करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्या कुछ कहना है कृष्णा पुनिया का देखते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ विजेंद्र भाई को कि वो इस पर अपना वक्तव्य दें। जी नमस्कार आप सबको। थोड़ी देर पहले मैं जंतर मंत्र गया था और पहलवानों का साथ देने, मेरे साथियों का साथ देने, मेरी बहनों का साथ देने मैं था वहां पे, और एक मुक्केबाज होने के नाते, एक साथी होने के नाते मैं वहां गया था। और वो आए, धीरे धीरे रेसलर आएंगे वहां पे, उनको बताया, मेरी फ़ोन पे बात हुई, लेकिन मेरी पीसी थी इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आरोप हैं एक नेता पर, एक फेडरेशन के चीफ के ऊपर। और मैं मानता हूं कि इसके ऊपर इतनी देर लंबी चुप्पी साधना प्रधानमंत्री जी द्वारा, वो एक बहुत निंदनीय है और एक शर्मनाक है जो मैं मानता हूं। और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो आरोप है बहुत संगीन है। एक भिवानी का, एक हरियाणा का लड़का होते हुए मैं ये मांग करता हूं इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और आईपीसी की जो भी धारा लगती है उनके तहत इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। आपके जो भी सवाल हो उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये एक बड़ी बात है। और एक चीज आपकी जानकारी के लिए, आप हमारे व्यूअर्स के लिए, जो श्रोता है, जो देख रहे हैं, जो अखबार लिखेंगे, उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस थी। और डिफरेंस ये था कि जब बेटियों पर इस तरह के कुकृत्य होंगे, शोषण होगा, तो ये सरकार अपनी आंख पर पट्टी बांध लेगी। ये सरकार कहती थी हमें इंटरफेरेंस पॉलिटिकल नहीं चाहिए। बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? हेमंतो बिस्व शर्मा। राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? रणेंद्र सिंह, बीजेपी के। आर्चरी के अर्जुन मुंडा जी। क्रिकेट के तो खैर आपको पता ही है, पुत्र जय शाह जी बैठे हुए हैं वहां पर। हॉकी के दिलीप तुकरी जी। और टेबल टेनिस ऑफ इंडिया की जो फेडरेशन की हेड है वो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की पत्नी मेघना चौटाला जी हैं। तो ये जो लोग बात करते थे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की, उनके कुछ नाम मैंने आपको गिना दिए हैं। रेसलिंग फ्रेंड्स विजेंद्र मुक्केबाज हैं और आपको भारत जोड़ो यात्रा में भी राहुल गांधी के साथ दिखाई दिए और उनके साथ कृष्णा पुनिया हैं, एथलीट भी दिखाई दी और सुप्रिया भी दिखाई दी, प्रवक्ता कांग्रेस की। तो कांग्रेस के इस मंच से जो है हल्ला बोला गया है और कहा गया है कि तमाम जितने भी खेलों के बड़े बड़े ये वो फेडरेशंस हैं उन सभी में जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के तमाम लोग बैठे हुए हैं, ये आरोप लगाया है। हालांकि अगर विजेंद्र की बात करें तो उन्होंने कहा कि वो एक खिलाड़ी होने के नाते उनको समर्थन देने के लिए पहुंचे थे और प्रधानमंत्री इस मामले पर चुप हैं, इस पर उन्होंने सवाल उठाया है। लेकिन लगातार आपको बता दें कि अगर हम रेसलर्स की बात करें तो उस रेसलर्स ने साफ कह दिया है कि इसे हम राजनीतिक मंच नहीं बनने देंगे, यहां पर तमाम पहलवान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कृष्णा पुनिया की बात करें तो वो एमएलए हैं राजस्थान से और एथलीट रह चुकी हैं और